न्यू अंशदायी पेंशन व्यवस्था को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने तथा आउटसोर्सिंग संविदा व डेली बेसिस तथा वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित किए जाने सहित दो सूत्रीय मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विस एसोसिएशन ने मंगलवार को प्रधानमंत्री के नाम से संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी के माध्यम से प्रेषित किया, जिसका नेतृत्व संगठन के जिला अध्यक्ष नागेंद्र पाल ने किया। ज्ञापन के माध्यम से एसोसिएशन के सदस्यों ने शासन द्वारा घोषित न्यू अंशदायी पेंशन को समाप्त कर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग कर रहे थे और आउटसोर्सिंग संविदा व वर्क चार्ज कर्मचारियों को नियमित किए जाने तथा दैनिक वेतन कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने की मांग कर रहे थे। इसके अलावा विभागों में रिक्त पड़े पदों पर भी तत्काल भर्ती की भी मांग कर रहे थे। गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष नागेंद्र पाल ने बताया, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। मैं नहीं आया। भारतीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हम लोगों को पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है उसको बहाल किया जाए और आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भर्तियाँ की जा रही हो, संविदा पर रखे जा रहे हैं, उनको निरस्त किया जाए, ऐसी भर्ती न की जाए।